आपका नाम क्या हुआ मोहन भगत आप क्या करते हैं खेती करते हैं अच्छा आज किस चीज के बारे में बताइएगा गोभी के बीज के बारे में बताइए कैसे इसको उगाते हैं गोभी हम लोग नर्सरी लगाते हैं प्रसाद कंपनी का बीज खरीद लेते हैं अपने से प्रसाद कंपनी का और अपना से खेत में नर्सरी लगा के उगा कर और फसल लगाते हैं और अपने से नर्सरी बीज बना लेते हैं अब बीज बना के इसको पका के पका के आ इसको बाद में इसको पका के अब बढ़िया सीसी शीशा के बोतल हो अथवा प्लास्टिक वाला ही जो है ना इसी में पैक करके हम लोग रख देते हैं भूसे में गेहूं के भूसे में आ जब इसका समय आएगा उस समय में भूसे में से निकाल कर नर्सरी हम लोग लगा लेते हैं अपने से अपने काम के लिए लगा लिए और दो चार दस धून में लगा दिए जो इसका दाना जो बन जाता है वो दाना को हम लोग बिक्री कर देते हैं व्यापारी के हाथ तो कभी इसको रोपते हैं और कभी मतलब फल छोड़ते हैं बीज के लिए ये सब बताइए इसका सितंबर में अगहनी को भी है सितंबर में इसका बिया गिर जाता है अक्टूबर में रोपा जाता है अक्टूबर आई नवंबर, दिसंबर में निकल निकल जाएगा दिसंबर में निकलता है नवंबर से लेकर दिसंबर में इसका अक्टूबर में इसका नर्सरी लगता है अगहनी है इसके पहले लगता है सबसे फर्स्ट लगता है डाउन, ये डाउन को भी जो है से अगस्त में बिया इसको गिर जाएगा अगस्त में बिया गिरेगा सितंबर में इसका रोपण हो जाता है लास्ट सितंबर तक आई अक्टूबर और नवंबर में निकलना शुरू हो जाएगा ये सबसे आगे डाउन को भी होता है उसको बाद में आपको कतका होता है कतिका जो कतका हम बनाए हैं अपने से और उसको बाद में तो यह गहनी बीज है ये कौन से मौसम वाला बीज है ये जो अभी पेड़ में लगा हुआ है ये जो है अगहानी बोलता है नवंबर और दिसंबर में निकलना शुरू हो जाएगा ये पेड़ मतलब लगाया जाएगा इसका सितंबर में बिया गिरता है तो बीज को कैसे तैयार करते हैं? मतलब? बीज तैयार कर लेते हैं बीज यदि जितना क्षेत्रफल में लगाना हो तो खेती कर लेते हैं आप जानते हैं जी हाँ ये बढ़िया है बढ़िया फसल है बढ़िया इसे अच्छा है तो इसको हम अपने से बना लेते हैं इसका छो बीच में के जो है ना वो काट लेते हैं मैंने कोई चाकू से बीच में के निकाल लेते हैं आ, आरी का लेते है। आरी के छोड़ते हैं तो ज्यादा भाग में कटा जाता है पूरो से इसलिए फरवरी में बहता है हवा पछिया पछिया के झोंका से सब पूर्व मुहे गिरता है तो पूर्व मुहे गिरता है तो इसे काट लेते हैं तो सब पश्चिम से बचा रहेगा ना भाग तो हवा के झोंका रुकेगा और पश्चिम से काटेंगे तो समुची में राखे गिर जाएगा कच्चे में तो बीज नहीं तैयार होगा इसीलिए पूर्व दिशा से कटाया जाता है आ काट कर आ तभी जब पक जाएगा इसमें पानी उनी दवा लाही के दवा पर गिरता है लाही के दवा दिया है लाही के दवा देकर सब कुछ से जब फल पक जाएगा तो इसको का किया काट के अपने दूरा पर लेकर इसको मिचोर कर सुखा कर इसको पैक करके और भूसा में रख दिया जाता है चाहे कोई अलमारी में रख दिया है संदूक में रख दिया है तो ना, में आपको बताया गया है इसके बारे हाँ ये जो है से पार्ट वन में कथका है और पार्ट टू में ही अगहानी हम बता रहे हैं आ जो डॉन है डॉन का सीजन में आप नहीं मैंने उस समय में आए तो उसका स्टिकर रखे हैं ये सबसे आगे ही डॉन गिरता है हाँ उसको बाद में कतका गिरता है पट्टू में पटरी में अगहानी गिरता है आ, आ पट पा, पा, पट फोर में फोर में गिरता है पुसाहा पार्ट वन में दिखाया जाता है मतलब ये अभी पार्ट वन में आप ये दिखाया जा रहा है हाँ पार्ट टू पा, पा, में जब दिखाएंगे जब मिचोरेंगे तो इसका बहुत अच्छा हाँ अब बहुत अच्छा है करीब इसमें सौ गो पेड़ छोड़ दिए हैं अपने के लिए और इसमें जो है से मूंग के मूंग का खेती कर दिए हैं मूंग जो है ना से ऑक्सीजन तैयार करके जमीन में नाइट्रोजन तैयार कर देता है जब भी कट जाएगा मूंग फट जाएगा तो मिट्टी पलटने वाला हर से पलट दिया जाएगा और उसमें सड़ेगा ना तो खाद भी बन जाता है मूंग के हाँ तो हम लोग क्या करते हैं जो पहले डोन लगा देते हैं डोन के बाद में क्या करते हैं जे असनी ऐसी है अगहनी लगा देते हैं अगहनी काट लेते हैं तो फिर उसको बाद में पूसी लगा देते हैं तो अंत में जाके हाईब्रिड लगा देते हैं उसी खेत वो एक गो खेत में एक ही गो खेत में खाली कमाल है आपको जैविक दे दीजिए खादर दीजिए मवेशी खादर और पानी के साधन है गोभी का खेती का, कितने महीने तक लगातार रहता है जोड़िए ना जो सितंबर से निकलना शुरू हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर से गोभी का कटनी होने लगता है निकलना शुरू हो जाएगा आपको इधर फरवरी तक ले मार्च तक ले लेने कटता है गोभी तो उसी हिसाब से लगाया जाता है जो वो कब इकटे और फिर नर्सरी में बिचरे तैयारी रहे इकटे हटा दिए कट के आ फिर दूसरा बिचरा लगा दिए हाँ उसी लाइक उसको निकाई गोराई कीजिएगा तो तीन फसल चार फसल को भी काट के आ तब अंत में क्या कीजिए जे मूंग लगा दीजिए मूंग के फसल तुराई हो अथवा नहीं तुराई हो मिट्टी पलट दीजिए खाद बन जाएगा वर्षा जब गिरने लगेगा जून जुलाई से जुलाई से तब सब सड़ेगा ना तो खाद बन जाता है हाँ अच्छा इसे फसल अच्छा हो इसे आता होगा फिर गोभी के खेती करिए कोई कोई भी खेती कीजिए अच्छा फसल होगा आ, आ उ, उसके बाद में मन लीजिए अथी के बीज जो गिरता है जमीन पर तो अपने सोच कर जे हम पहले कौन बीज गिरावे उसको पीठ पर कौन गिरावे उसको बाद में कौन गिरावे ये सब आपका दिमाग है ध्यान है आपका आपका खेत है तो आप सुरक्षा कर सकते हैं आप डॉक्टरी अपने खेत के अपने से ना कीजिएगा तो दूसरा आदमी करेगा तो नर्सरी लगाने के समय में का होता है जे एक धूर के नर्सरी बनाया जाता है एक धूर का बनाकर आप पहले उसको क्या का किया जाता है जे जैसे मड़ई के घर है मड़ई के घर लिखा बनाया जाता है ऊपर से तिरपाल लगा के बारिश से बचने खातिर बीज जब गिरेगा ना तो बारिश से बचने खातिर तिरपाल लगाया जाता है यदि तिरपाल आपका पास नहीं हो खरपतवार से झाँक दिए चार दिन में कोबी का नर्सरी बीज मैंने अकूर कर निकलना शुरू हो जाता है चार दिन मात्र पाँचवा दिन में सब दिखाई देने लगता है तो छूट जो गया आपसे जो नहीं मैंने जो झकाया तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा बीज में इतना पैसा लगता है तो उसके लिए मान कीजिए औजार रखे जब बारिश हट जाए तो ऐसे ऐसे का कीजिए ऐसे ऐसे बैठ कर ऊपर का मुँह तोड़ दीजिए मुँह टूट जाएगा जमीन के ना तो सब निकल जाएगा ये छोटा सा औजार अपने से बना दिए और बहुत क्षेत्रफल में गिराना है तो लमहर सा कांटा लगा कर एक बार में दो कट्ठा तीन कट्ठा नर्सरी लग सकता है वो जो बीज विक्रेता है बिचरे जो बेहते हैं सो दो कट्ठा चार कट्ठा में लगाते हैं हम लोग अपने किसान हैं तो एक धूर दूर, दूर, दूर पान धूर लगाते हैं मात्र आ डेवर डेवर पर बीज लगाते हैं कभी डॉन का लगा दिया असनी लगाया तो लगाया तो गहनी लगाए आ सब पंथ बना के कतार बाई कतारें है। लगाते हैं और जब देखते हैं जी ऋतु जब बदलता है तो दिशा बदल जाता है सूरज नारायण का ओवर दिशा बदलेगा ऐसे दक्षिणे और उत्तरे हो जाते हैं दक्षिण से सूरज नारायण हो जाते हैं तो बीस इंची पर लगाते हैं हम लोग दक्षिण उत्तर से दक्षिण मुँह दक्षिण से उत्तर मुँह बीस इंची और पूर्व से पश्चिम मुँह अट्ठारह इंच इसे सूरज का रोशनी कम हो जाता है ऐसे सूरज का रोशनी ज़्यादा होता है